हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं डेल्टा अली चैनल। तो यार कैसे हो आप सब। तो फाइनली भाई आज आपका एक नया टॉपिक लेके आ गया है जिस पे आज हम लोग बात करेंगे लो एंड डिवाइस बेस्ट ग्राफिक्स के बारे में। तो जैसा कि हम सबको पता है भाई कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छा फ़ोन नहीं होता है, 3 GB RAM 4 GB RAM में खेलते हैं। तो आज उनके लिए मैं एक ऐसा ग्राफिक्स सेटिंग लेके आया हूँ जिससे उनको बेस्ट ग्राफिक्स फीचर मिलेगा और जिनको खेलने में बहुत मज़ा आने वाला। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बगल में जो बेल वाला घंटा है उसे ज़रूर बजा देना। तो गाइस लेट्स गो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना ग्राफिक्स वाला सेटिंग जो है उसे ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है ग्राफिक्स का, जो इसमें जो ऑप्शंस है इसमें बहुत सारे स्मूथ बैलेंस HD HDR। तो आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग देखना है कि आपका कौन सा जो ग्राफिक्स है वो सूट करता है। तो सिंपली आपको बहुत हाई ग्राफिक्स में नहीं जाना है, या पहला जो ऑप्शन मिलेगा स्मूथ आपको उस पर रखना है। उसके बाद आएंगे हम लोग फ्रेम रेट में। तो फ्रेम रेट अकॉर्डिंग टू आपका फ़ोन लो एंड डिवाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लो मीडियम और हाई का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग टाइप करेंगे, अगर आपका फ़ोन 3 GB RAM वाला है या फिर 2 GB RAM वाला है, तो आपको यहाँ पे सिंपली मीडियम या लो पे रखना है। तो मेरा सपोर्टिव है, फ़ोन मेरा सपोर्ट कर सकता है, तो इसलिए मैंने अपना हाई पे रखा। तो आपको मेरे जैसे नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग करना है। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग स्टाइल पे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शन मिल जाता है आपको स्टाइल। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा देखने के लिए, बहुत कलरफुल देखने के लिए इसे कलरफुल रियलिस्टिक शॉप या मूवी में रख लेते हैं, जिससे कि इससे आपका बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होता है और आपका जो फ़ोन है गेम है वो लैग होने लगता है। तो इसके वजह से आपको यहाँ सिंपली कुछ करना नहीं है, जो क्लासिक का ऑप्शन मिलेगा आपको उस पर रखना है। और यहाँ पर हम लोग फिर नीचे आते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको एंटी अलाइजिंग। तो एंटी अलाइजिंग क्या है ये आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत सारे लोग इसे ऑन रखते या ऑफ़ रखते, इससे क्या प्रॉब्लम होता है ये आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग इसे ऑन कर देते तो क्या फ़ायदा, या ऑफ़ रखेंगे तो उससे क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। और फिर हम लोग आएंगे यहाँ पर मोड पे, कलर ब्लाइंड मोड पे। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल और यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिए रहेगा, तो ये भी आपका सिंपली कुछ है नहीं, ये है आपका जोन वगैरह जो आता है उसको सेट करने का, कि अगर हमें रेड जोन किस तरह से दिखता तो आप उसको येलो में कर सकते हैं। फिर आपको जो डैमेज जोन जो होता है, हम जोन के बाहर रहते हैं, वो आप ग्रीन में कर सकते हैं, तो आप उससे सेट कर सकते हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर आएंगे हम लोग नीचे, ऑप्शन मिलेगा ब्राइटनेस का। तो ब्राइटनेस सिंपली हम लोग देखते हैं किसी का गेम, अगर हम लोग किसी का गेम ओपन करते हैं तो वो बहुत अंधेरा सा लगता है, तो वो इसी रीज़न से लगता है क्योंकि वो अपना फ़ोन का जितना भी ब्राइटनेस बढ़ा दे लेकिन इन गेम ब्राइटनेस नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ एक ऑप्शन मिलता है ब्राइटनेस का, इसे अगर आप चाहेंगे तो आपने आई के अकॉर्डिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा आई पे लगता है तो आप इसे नॉर्मल अपने हिसाब से 100 to 150 के आसपास इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं अपना 150 रखता हूँ, तो मैं अपना 150 रखा हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा नन स्टैंडर्ड स्क्रीन। तो ये क्या है एक्चुअली, मैं चलिए आपको आज बताता हूँ नन स्टैंडर्ड स्क्रीन क्या है। देखिए यहाँ पे मेरा फुल है, नॉट्स में 50 है। अगर अब मैं इसे 30 करता हूँ और इसको फिर मैं ओके करता हूँ, तो जो मेरा साइड वाला स्क्रीन है वो देखिएगा बड़ा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर इसको मैं 30 करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखना ये थोड़ा सा छोटा हो गया। तो ये फ़ायदा है इसका। और अगर मैं एकदम ज़ीरो करता हूँ, तो जैसे मेरा फ़ोन अगर सपोर्टिव नहीं है, मेरा स्क्रीन एकदम राउंड में है, तो ये पूरा एकदम छोटा हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर, देखिए यहाँ टच हो गया। तो मैं सिंपली इसको अपने अकॉर्डिंग फ़ोन के अकॉर्डिंग रखता हूँ राउंडेड कॉर्नर में, तो मैं उसे यहाँ पे सेट करता हूँ। तो क्या है कि मुझे मेरा जो लेआउट है वो मुझे थोड़ा बड़ा और थोड़ा सा जूमिंग देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आएंगे ऑटो एडजस्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ऑटो एडजस्ट। अगर आपका लो एंड डिवाइस फ़ोन है तो मैं इसे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे ऑन रखें, क्योंकि ये आपका नेटवर्क के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा वीक है तो ये आपको ऑटोमेटिक तो आपका ग्राफिक्स है उसको लो कर देगा, जिससे कि आपका जो गेम है वो स्मूथ चलने में आसानी होगी। और गेम आपका जो अगर नेटवर्क उसका अच्छा मिलेगा तो आपका ग्राफिक्स को फिर वो हाई कर देगा आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग, तो इसे आप सेट कर सकते हैं। चलिए तो आप फिर मैं आता हूँ एंटी अलाइजिंग, जैसे कि मैं बताया आपको एंड में बताऊँगा। तो भाई
देखिए मेरा फ़ोन जबकि सपोर्टिव है फिर भी मैं इसे ऑफ़ रखा हूँ, तो ये एक बहुत हेवी ऑप्शन है। अगर इसे ऑन रखते तो आपका जो फ़ोन है वो इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, अगर आप जो सेटिंग की है वो उसे कंज्यूम नहीं कर पाएगा, वो अपने हिसाब से आपको ग्राफिक्स को चलाएगा जिससे आपका बैटरी जो है बहुत तेज़ी से कंज्यूम होगा और आपका जो फ़ोन है बहुत ज़्यादा हीट होगा। तो इसलिए इसे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इसे आप ऑफ ही रखें। तो भाई ये हमारा आज का जो बेस्ट ग्राफिक्स का जो मैंने आपको सेटिंग बताया, इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। बस आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, थैंक यू, बाय बाय।